नमस्कार दोस्तों, आपका सक्सेस विस्टा क्लासेस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम यूपी पुलिस जो आपका 30 अगस्त को पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन लेकर आए हैं। दोस्तों ये आपके 31 अगस्त को जो पेपर होने वाला है उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। हिंदी पहला सब्जेक्ट पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 1 आपको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ये था, अभागा सुख से वंचित रह जाता है। यहाँ पर ये दिया हुआ था, लोकोक्ति है ये। दोस्तों आपको बताना है ये किसका अर्थ है, अभागा वंचित, अभागा जो है वो सुख से वंचित रह जाता है। तो दोस्तों आपने ये कहावत सुनी होगी, अंधा बगुला कीचड़ खाए, अंधा बगुला कीचड़ खाए, इसी का अर्थ होता है अभागा जो होता है वह सुख से वंचित रह जाता है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन दूसरा, गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करें। गमन का मीन्स होता है दोस्तों, गमन का मतलब क्या हो गया, जाना। अगर हम इसके आगे आ लगा दें आगमन, तो आगमन का मीन्स क्या हो जाता है, आना। तो क्या ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब दोस्तों देखिए क्वेश्चन तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है, जो संबंध बनाता है। आप दोस्तों देखिए, जो पुस्तक मेज पर रखी है वह मेरी है, तो जो शब्द है इसने यहाँ पर संबंध बना दिया है। संबंध वाचक सर्वनाम जो होता है, जैसे जो है, ये सारे शब्द संबंध वाचक सर्वनाम है। कारक देखिए, कारक के कितने भेद होते हैं, आपने दोस्तों कारक के भेद पढ़े होंगे, 8 जो होते हैं हिंदी में कारक होते हैं। अब पांचवा क्वेश्चन देखिए, इनमें से किसके रचनाकार तुलसीदास नहीं हैं। दोस्तों तुलसीदास के द्वारा कवितावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, वैराग्य संदीपिनी और वरवै रामायण जैसे महान काव्य लिखे गए, लेकिन खुमान रासो, ये रासो साहित्य है दोस्तों, ना कि तुलसीदास के द्वारा इसको लिखा गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए था। अब दोस्तों आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, स्वर ए और ए का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो दोस्तों ए ए ये क्या है, कंठ और तालव्य के द्वारा बोले जाते हैं, इसलिए इनको कंठ तालव्य के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, स्वर्ग पृथ्वी और हरिण किस शब्द के अनेकार्थी हैं। तो दोस्तों गो जो है, गो बेसिकली गो नहीं होना चाहिए था यहाँ पर, ये गौ होना चाहिए था, गौ, जो गौ शब्द है इसी ये स्वर्ग पृथ्वी और हरिण शब्द के अनेकार्थी हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार आलोक पर्व किसकी रचना है। तो दोस्तों आपको पता है आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9, 2002 में दो पंक्तियों के बीच कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया। तो राजेश जोशी जो थे, राजेश जोशी को ये अवार्ड दिया गया था, दो पंक्तियों के बीच जो कविता है इसके लिए। अब क्वेश्चन 10 देखिए, स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, टोटल 5 प्रकार, ऑप्शन ए करेक्ट था। 11 नंबर का क्वेश्चन है, वह घर से बाहर गया। तो दोस्तों इसमें कारक पूछा था, तो अपादान से मतलब घर से अलग हो गया, तो अपादान यहाँ पर कारक है, वह घर से बाहर गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द त्र्यंबक का पर्यायवाची नहीं है। तो त्र्यंबक का मतलब दोस्तों, जैसे आप देखेंगे त्रिचक्षु जिसके 3 नेत्र हैं, त्रिदृश जो 3 तरीके से दृश्य हैं, और विरूपाक्ष, विरूपाक्ष का मीन्स होता है जिसके विशेष तरीके के नेत्र हों, तो उसे विरूपाक्ष कहा जाता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे त्रिलोक इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए था, त्रिलोक, ये नेत्रों से संबंधित ना होके ये लोक से संबंधित था। अब क्वेश्चन अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो दोस्तों रामचरितमानस जहां पर एक सिंगल में लिखा होगा वही शुद्ध है, बाकी जगह देखिए ये सारे अलग अलग लिखे हुए हैं। तो रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। 14 क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर, निम्नलिखित में से किस रस का स्थायी भाव क्रोध है। तो दोस्तों ये आपसे पिछले शिफ्ट में भी पूछा जा चुका है, रौद्र रस का स्थायी भाव जो है वो क्रोध है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के जोड़े को पहचानना है। श्रुति सम भिन्नार्थक, आप दोस्तों देखिए, दिन, दिन का क्या होता है, दिवस होता है, बिल्कुल सही है। संसार का जगत होता है, ये भी सही है। शाम का संध्या होता है, ये भी सही है। लेकिन अपेक्षा और उपेक्षा, अपेक्षा का मीन्स होता है दोस्तों किसी से आशा रखना, उम्मीद रखना, लेकिन उपेक्षा का मीन्स होता है किसी को
इग्नोर वर्ड जो इंग्लिश में वर्ड किया जाता है, उपेक्षित कर देना, उसके नजरअंदाज कर देना, तो उपेक्षा शब्द प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों अगला वर्ड देखते हैं, अगला अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, परीक्षा शब्द निम्नलिखित में से किस वर्ग में आता है? तो दोस्तों परीक्षा शब्द जो है ये तत्सम शब्द है, तत्सम। बेसिकली हम आपको बता भी चुके हैं दोस्तों, जहां पर छाछत्री आता है वो ज्यादातर शब्द जो होते हैं वो तत्सम में ही छाछत्री का मैक्सिमम प्रयोग होता है। 17वां क्वेश्चन है, कर्मवाच्य में क्या प्रधान होता है? दोस्तों कर्मवाच्य में क्या प्रधान होगा? कर्म प्रधान होगा, ऑब्वियस ही बात है। इसमें क्वेश्चन नंबर, इसमें ऑप्शन डी करेक्ट था। अब दोस्तों क्वेश्चन 18 देखिए, चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द क्या है? चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए दोस्तों एक शब्द है, द्विज। क्वेश्चन 19वां देखिए, पंकज में कौन सा समास है? तो दोस्तों पंकज के अंदर जो है बहुव्रीहि समास है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 20 है, आ बैल मुझे मार का क्या अर्थ है? दोस्तों जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, आ बैल मुझे मार। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, हर्ष शोक घृणा आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए जो चिन्ह का प्रयोग होगा, दोस्तों आपको पता है इसमें विस्मयादिबोधक, ये जो चिन्ह होता है विस्मयादिबोधक, इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव का मीन्स दोस्तों क्या होता है, जो ऐसे शब्द जो संस्कृत लिए तो बेसिकली संस्कृत भाषा से गए हैं लेकिन उनका उच्चारण और लिखने का तरीका जो है बदल गया है। तो आप देखेंगे जीहा, जीहा जो होता है, जीहा, जीवा का ही ये तद्भव शब्द है, जीव। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, तद्भव कौन है, जीव है। क्वेश्चन नंबर 23, नवल सुंदर श्याम शरीर, इसमें कौन सा अलंकार है? दोस्तों देख रहे हैं आप, नवल सुंदर श्याम शरीर, इसमें उपमा तुलना की जा रही है, तो उपमा अलंकार है। अब दोस्तों ये शब्द जो है, जैसे खा, खा में ये नुक्ता लगाया गया है, ये नुक्ता जो डॉट रखा गया है इसे नुक्ता कहते हैं। तो खा गा फा में नुक्ता लगाया जाता है दोस्तों, तो ये अरबी और फारसी शब्द बन जाते हैं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होना चाहिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत कोई विधि जो होती है तब वह अधिनियम बन जाती है, ऑप्शन बी करेक्ट है। अर्धविराम का चिन्ह क्या होगा? दोस्तों ऑप्शन बी करेक्ट है, अर्धविराम। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक क्रिया मतलब पानी बरस रहा है, यहाँ दोस्तों कोई व्यक्ति कर्म नहीं कर रहा है, ये अकर्मक क्रिया है, तो पानी बरस रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, निम्नलिखित में से चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए युग्म का सही अर्थ का सही विकल्प है, जैसे सूची और सूची। सूची का अर्थ दोस्तों आपको पता है, सूची बनाना मतलब तालिका, तो यहाँ दो जगह तालिका है, सूची मीन्स होता है चाहा हुआ, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होना चाहिए था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन ये देखिए 30वां क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? दोस्तों वह परिश्रमी भी है, वह परिश्रमी भी है, वह विद्यार्थी है, वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, वह लड़का विद्यार्थी है। तो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए लड़के की क्वालिटी क्या है, वह विद्यार्थी है, लेकिन यहाँ जो है वह केवल विद्यार्थी है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होना चाहिए था। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, अब दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए 31, रचना पूछी गई थी, अन्या से अनन्या, किसकी रचना है? अन्या से अनन्या, प्रभा खेतान की रचना है दोस्तों, ऑप्शन ए करेक्ट था। अब ये क्वेश्चन 32 देखिए, अर्घ्य, जैसे दोस्तों आप जब देखेंगे किसी धार्मिक रीति रिवाज में शामिल होते तो अर्घ्य दिया जाता है, जैसे सूर्यदेव को अर्घ्य देना, तो पूजा से संबंधित जो होता है पूजनीय, अर्घ्य पूजनीय शब्द से संबंधित है। अब आइए दोस्तों देखते हैं ये जीके के क्वेश्चन जो पूछे गए उनको देखते हैं। क्वेश्चन 38 है, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, दोस्तों जो राष्ट्रीय शर्करा संस्थान है उत्तर प्रदेश के अंदर कहाँ पर है? कानपुर के अंदर है, और यहीं पर दोस्तों राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान भी यहीं पे है, कानपुर के अंदर। अब देखते हैं क्वेश्चन 39, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ जो ITU है बेसिकली करता क्या है? जो है सी करेक्ट है, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार को विनियमित करता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होना चाहिए था। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन 40 नंबर, सोशल मीडिया पर हैशटैग का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि दोस्तों जुड़ाव और पहुंच को बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज द एंगेजमेंट एंड रीच।
अपने जुड़ाव और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूवर्स को जोड़ने के लिए क्या किया जाता है, हैशटैग का प्रयोग किया जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन है, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद क्या करता है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के बीच जो क्वाड बना हुआ है ये उसके बारे में है। तो जो दोस्तों हमारा समुद्री प्रशांत वाला जो एरिया है, जैसे आप देखेंगे इसमें समुद्र से संबंधित कुछ है, ये है सुरक्षा उद्देश्यों के लिए समुद्री सहयोग को बढ़ाना, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑक्सीजन की खोजकर्ता कौन है दोस्तों? जोसेफ प्रीस्टले जो हैं ऑक्सीजन के खोजकर्ता थे। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43, CPCB क्या है? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है इसकी फुल फॉर्म है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ऑप्शन ए इसका करेक्ट था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य के जो मुख्यमंत्री जून 2024 तक कौन हैं दोस्तों? भजन लाल शर्मा जो हैं, अभी भी यही भजन लाल शर्मा जो हैं राजस्थान के CM हैं। क्वेश्चन नंबर 45, अनुसंधान में डबल ब्लाइंड अध्ययन का उपयोग करने के लिए मुख्य लाभ क्या है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। देखेंगे आप, यह शोधकर्ता के पूर्व ग्रह को दूर करता है, यह शोधकर्ता के पूर्व ग्रह को दूर कर देता है। क्वेश्चन नंबर 46, है, निम्नलिखित में से किस कोशिका का पावर, किसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, लार्ज सिनेप्टिक सर्वे टेलीस्कोप LSST दोस्तों ये काफी ज्यादा चर्चा में रही थी कि चंद्रमा पर का भी फोटो खींचा जा सकता है, वहां की मिट्टी का भी एनालिसिस किया जा सकता है, ये सारे काम इसके द्वारा किए जा सकते हैं। तो दोस्तों पृथ्वी के निकट की वस्तुओं का निरीक्षण करना और उन्हें सूचीबद्ध करना ये इससे संबंधित था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये देखिए, नाइट्रोजन का बेसिकली, नाइट्रोजन का जो रासायनिक सूत्र होता है बेसिकली N होता है, सिंबल है नाइट्रोजन का। अब दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, दोस्तों हम कई बार जो प्रीवियस हम आपको एनालिसिस करा रहे थे, जहां भी नेहरू जी आ रहे थे वहां डिस्कवरी ऑफ इंडिया आपको बता रहे थे। क्वेश्चन ये है 50 नंबर का, 2016 की नोटबंदी में पुराने नोट प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि क्या थी? दोस्तों ये भी पूछ लिया गया, तो याद रखिए 30 दिसंबर अंतिम तिथि थी। 51 नंबर का क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सबसे बड़ा देश है? रसिया दोस्तों सबसे बड़ा देश है, रसिया के बाद कनाडा है, फिर उसके बाद चीन है, फिर उसके बाद अमेरिका है, फिर है ऑस्ट्रेलिया, फिर है ब्राजील, देन है इंडिया, सातवीं पोजिशन पर आता है। अब आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा अपनी 75वीं वर्षगांठ कब मनाएगा? तो दोस्तों ये 10 दिसंबर 2023 को इसने अपनी 75वीं वर्षगांठ मनाई। क्वेश्चन 53, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? फेसबुक दोस्तों प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का, ट्विटर भी है, इंस्टाग्राम भी है, लेकिन नौकरी जो है ये कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। क्वेश्चन 54, लोक लुभावन वाद का उदय वैश्विक राजनीति स्थिरता को किस प्रकार प्रभावित करता है? दोस्तों लोक लुभावन वाद जो होता है ये राजनीतिक ध्रुवीकरण को बढ़ा देता है और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर कर देता है, लोक लुभावन वाद जो है ये ऐसा काम करता है। क्वेश्चन अगला देखते हैं, आतंकवाद, क्वेश्चन नंबर 55, आतंकवाद विरोधी अभियानों का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? दोस्तों आतंकवाद विरोधी जो अभियान होते हैं उसमें विद्रोहियों का बेसिकली, अगर आप देखेंगे आतंकवाद के विरोध में अभियान जो भी चलाए जाते हैं, अगर इसमें दोस्तों विद्रोहियों को माफी प्रदान करना बिल्कुल गलत है, विद्रोही समूहों का समर्थन करना ये भी गलत है। आप दोस्तों ये क्वेश्चन दोनों देखिए, बातचीत और समझौता, विद्रोहियों का सैन्य दमन, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो सकता है। अब देखते हैं दोस्तों IGST जो GST का आप देखेंगे कई स्टेजेस हैं GST के लगने के, तो आई जो है इंटीग्रेटेड शब्द आता है इसमें, IGST में इंटीग्रेटेड आई का मतलब है। 57वां क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी दोस्तों कैनबरा है। निम्नलिखित में से 58 नंबर का क्वेश्चन है, कौन भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? करेंसी नोट जारी करता है, बिल्कुल करता है, विदेशी मुद्रा का विनियमन करता है, मौद्रिक नीति का भी संचालन करता है, लेकिन शेयर बाजार के लिए दोस्तों सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया SEBI है, ना कि RBI। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं, 59 क्वेश्चन नंबर जो है, एशियाई विकास बैंक एशियन डेवलपमेंट बैंक का क्या करता है? बेसिकली यह विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है, यह एशिया प्रशांत देशों में वित्तीय बाजारों को नियंत्रित करता है, यह सदस्य देशों के बीच व्यापार समझौतों को बढ़ाता है, यह सदस्य देशों के स्टॉक, बिल्कुल गलत है, यह विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है, ऑप्शन सी इसका सुटेबल है। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60,
भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1951, ऑप्शन बी करेक्ट है। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। लुइस मोंटेनेग्रो जो है हाल ही में अप्रैल 2024 तक खबरों में था, ये किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो दोस्तों लुइस मोंटेनेग्रो जो है ये पुर्तगाल, जिसकी कैपिटल आपको पता है लिस्बन है, इसके ये प्रधानमंत्री बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, कौन सा संगठन दक्षिण एशियाई में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और आर्थिक एकीकरण को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है? तो दोस्तों ये है साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, सार्क। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन पूछ दिया गया था और सेकंड शिफ्ट में भी यही रहा, तो अनुच्छेद 19 जो है ये वाक स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया 64, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था, ऑप्शन सी करेक्ट है। 65 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुसार साइबर अपराध राज्य के विषयों के अंतर्गत आते हैं? दोस्तों ये कभी जो आप देखेंगे 7वीं अनुसूची है, इसी को 3 भागों में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विभाजित किया गया, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, 7वीं अनुसूची। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। डंपिंग दोस्तों का इसका तात्पर्य क्या है? ये व्यापार आप देखेंगे ट्रेडिंग में काफी ज्यादा यूज होता है, आयात और निर्यात में। विदेशों में उनकी लागत और उनके घरेलू बाजार की कीमत से कम कीमत पर माल की बिक्री करना डंपिंग कहलाता है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, ये सिंधु नदी से संबंधित है, जो सिंधु नदी समझौता हुआ था उसकी आपको ईयर बताना है, तो 1960 में ये सिंधु नदी समझौता होता है। क्वेश्चन 68वां है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 59 अब 69 नंबर का क्वेश्चन है, नीचे दिए गए RDX का पूरा नाम बताना है दोस्तों। रिसर्च आपको इसका RDX का पूरा नाम है, रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव, रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव जो है इसका पूरा नाम होगा। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से भारत में रामसर कन्वेंशन के तहत पहला रामसर साइट का नाम क्या है? दोस्तों पहला जो रामसर साइट है सुंदरवन जो है पहली रामसर साइट बनी थी। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दोस्तों काफी बार पूछा गया है, हिस्ट्री की बुक है मृच्छकटिका। मृच्छकटिकम जो है किसके द्वारा लिखी गई है? शूद्रक की काफी प्रसिद्ध रचना है मृच्छकटिकम। क्वेश्चन नंबर 72, कम विकसित देशों में गरीबी मुख्यतः किस कारण से होती है? जो तो दोस्तों कम विकसित देशों में जो होती है आय की समानता नहीं होती है, आय की असमानता होती है, इनकम इनइक्वालिटी होती है, इसकी वजह से वहां पर गरीबी रहती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 73, किस खनिज को बरीड सनशाइन कहते हैं? दोस्तों आपको याद होना चाहिए कोयला, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं, बरीड सनशाइन दबी हुई धूप, ये कोयला को कहा जाता है। 74 नंबर क्वेश्चन है, 2016 में भारत में लागू विमुद्रीकरण नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? काले धन पर अंकुश लगाना, ऑप्शन बी इसका करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 75, केंद्रीय उत्पाद शुल्क की दरें 12.36% से बढ़ाकर 12.5%, 12.50%, ऑप्शन सी इसका करेक्ट था। तो दोस्तों आपने देखा हमने सारे के सारे जो हिंदी के और GK के क्वेश्चन आपसे पूछे गए उनको सॉल्व किया। आगामी वीडियो में हम मैथमेटिक्स और रीजनिंग को भी सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सक्सेस बिस्टा क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।